पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव में इस बार नेताओं की बदजुबानी देखकर समाज के हर वर्ग का मतदाता हैरान और आहत है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र के ये कैसे बागवान हैं। कई चुनाव देख चुके मतदाताओं को वह दौर भी याद है जब दो प्रत्याशी अगर आमने सामने पड़ गए तो वे एक दूसरे को शुभकामना देने में कतई कंजूसी नहीं करते थे। अब आलम यह है कि पुश्तैनी दुश्मनों से भी ज्यादा बिगड़े बोल इन नेताओं के हैं। चुनाव आयोग की लाचारी भी खल रही है और मतदाताओं को टीएन शेषन की याद दिला रही है। आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद वर्तमान और निवर्तमान मुख्यमंत्री मंत्रियों आदि पर चले चुनाव आयोग के डंडे का भी अमर्यादित आचरण करने वालों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। कि जैसे जैसे चुनाव में माहौल आता जाता है, लोग ये नहीं समझते कि हमें किस नेता के बारे में क्या कहना है। बड़े बड़े नेताओं पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बोलेपन इस्तेमाल करते हैं कि मोदी जी ये या कांग्रेसी नेताओं के प्रति भी बहुत लोग गलत व्यवहार से मतलब टिप्पणी करते हैं। इस तरह की टिप्पणी उनकी ये भी नहीं देखती कि देश के हित में क्या है या हमारे हित में क्या है। इससे जब आम वर्ग पर बड़ा असर पड़ता है, जब बड़े नेता हमारे बोलते हैं तो उस पर असर हमारे आम जनता तक जाता है, जिससे हमारे देश की स्थिति की दूसरी जगह देशों में हमारी खराब स्थिति आती है। ये सब कुल केवल अपनी पार्टी को जिताना होता है और उसकी लोकप्रियता हासिल करके अपने मत को बढ़ाना होता है। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समाज हित में और देश हित में देखते हुए सब चीज़ों को लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग बड़े बड़े बात करते हैं, कभी किसी को छालते हैं, ऐसे नेताओं जो है देश के नाम पर कलंक है। क्योंकि हमारी देश की सभ्यता है, हम सभ्यता से हर किसी का मान सम्मान से बात बोलनी चाहिए, किसी को अनपूर्ण बोलना नहीं चाहिए कभी भी। और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक गलत दिशा निर्देश जाता है लोगों के ऊपर कि जब हमारा नेता ही ऐसा बोल रहा है तो आम जनता क्या करेगी। जिससे किसी का ना तो सुधार हो सकता, ना किसी का उत्थान हो सकता। ऐसे नेताओं पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि उनके खिलाफ मुद्दा उठाया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए ऐसे नेताओं को। देखिए, चुनाव आया है, ये लोग राजनीति के तहत बात करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि जो मर्यादा के तहत संविधान के तहत अपने वोट पाने चाहिए और लोगों को सही वो करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनावी स्टैंड ऐसा चाहिए जिससे कि जनता को उनकी जनता जो चुनती है वोट इसलिए चुनती है कि वो हमारे यहाँ समस्या हल करें। फिजा पर कितना फर्क पड़ता होगा? इससे बहुत लंबा फर्क पड़ता है लोगों के लिए और लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। चुनाव के समय जो नेता बड़बोलापन करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे एक सस्ती लोकप्रियता होती है। वो ये चाहते हैं कि इन बयानों के जरिए हमारी पहचान, हमारी पकड़ पार्टी के हाईकमान नेताओं से हो जाए, इसलिए वो ये करते हैं। इसका पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक पूरी तरह समझ चुकी है कि ये बयान सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही दिए जाते हैं, इसलिए पब्लिक पर अब इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। और चूंकि चुनाव आते हैं चले जाते हैं, पब्लिक अब अमन, सुकून, शांति, भाईचारे से रहना चाहती है। पब्लिक इन बड़बोले नेताओं की बातों में अब नहीं आती है, ना इसका कोई पब्लिक के ऊपर असर पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है कि इनके बड़बोलापन नेताओं के बड़बोलेपन से इनकी पार्टी के हाईकमान के नेता में अपनी पहचान की एक इनकी एक लालसा होती है। मुझे लगता है कि वो भी शायद पूरी नहीं होती है, उसका भी दुष्प्रभाव ही पड़ता है। ये वोटों की राजनीति है, विकास और डेवलपमेंट की राजनीति नहीं है। लोग चाहते हैं कि सिर्फ जवानी खर्च करके हम पब्लिक को राजी कर लें, जबकि पब्लिक इससे राजी नहीं होती है, पब्लिक विकास से ही राजी होती है। बड़बोले नेताओं से देश को नुकसान होता है और बड़बोले नेताओं की वजह से ही कई बार राष्ट्र को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए नेताओं से आग्रह है, अनुरोध है कि लोकसभा का जो पर्व चालू हो चुका है, चुनाव चालू हो चुका है, उसमें ऐसे कोई हाइपर बोल ना बोलें, बड़े बोल ना बोलें, ताकि हमारे राष्ट्र को हानि उठानी पड़े, उसको राष्ट्र को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसे लोगों से, जनता से भी आग्रह है कि ऐसे लोगों के बयानों पर कोई तरजीह ना दें, ध्यान ना दें, क्योंकि राष्ट्र हमारा है और राष्ट्र के प्रति हम सब लोगों की अच्छी सोच होनी चाहिए। राष्ट्र यदि आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र के प्रति यदि प्रत्येक नागरिक की जवाबदेही बनती है। बड़बोले नेताओं को भी चाहिए कि वो राष्ट्र में ही बयान दें और ऐसी कोई बात ना करें ताकि देश को नुकसान। हाँ, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो लोग बिल्कुल कटे रहते हैं, सोचते हैं कि हमें कोई नहीं बूझ रहा है समाज में, वो ऐसे बोल के समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं और समाज उनका
आगे के लिए भविष्य के लिए बायकॉट भी कर देता है। ये जो बड़बोले नेता है इनके अंदर संस्कृति सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में बड़बोले बोल बोलते हैं, जो आपस में भाईचारा खत्म कराने की बात करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं और ये भूल जाते हैं कि मानव हैं, मानव को मानवीय व्यवहार करना चाहिए ना कि अवानवीय व्यवहार करना चाहिए। इनकी हरकतें जो हैं बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस करती है, मानव जाति के लिए शर्मिंदा। बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, पूरा फिजा और शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए और खाली अपने आप को चमकाने के लिए हिंदू मुसलमान की खाई पैदा करते हैं और तमाम तरह की बातें ऐसी करते हैं जिससे ऊँच बड़े नेता बन जाएँ। छोटे से शब्दों में वो बहुत सारी गहरी बातें कर जाते हैं जबकि वो समझ नहीं पाते कि उन्होंने कितनी बड़ी गलत बात कही है। जो आपस में भाईचारा खत्म करने की बात करती है, भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी के लिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा, जो देश की अखंडता पर, जो देश की एकता पर एक तरीके से कुठाराघात करने का ये काम करते हैं, खाली अपनी लोकप्रियता पाने के चक्कर में, अपने आप को चमकाने के चक्कर में और पार्टी नेताओं की चापलूसी करने के चक्कर में, पार्टी नेताओं के सामने अच्छा बनने के चक्कर में ये सब काम करते हैं। और ऐसे नेताओं पर मैं चाहता हूं कि जो ये न्यायपालिका है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इन लोगों पर प्रतिबंध